नमस्कार, खबर 3 बजे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि राजनांदगांव से आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने दाखिल किया नामांकन। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में भरा पर्चा। नामांकन के बाद रोड शो किया मुख्यमंत्री। विष्णुदेव साय का बयान, प्रचंड मतों से होगी भाजपा की जीत। तो बड़ी खबर आपको राजनांदगांव से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय भी उनके साथ मौजूद रहे और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि भारी मतों से जो है जनता बीजेपी को जिताएगी, प्रचंड मतों से जीत होगी भाजपा की, ऐसा सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं और इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी अक्षय साहू जुड़ गए हैं। अक्षय, बात किया है तो आज बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने अपना नामांकन दाखिल किया है, इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय उनके साथ मौजूद रहे, क्या कुछ नजारा नजर आया? जी, संतोष पांडे जो राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी, उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस बीच उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी भी उनके साथ मौजूद रहे और उसके बाद उन्होंने एक सभा आयोजित की थी, जो शिवनाथ वाटिका में इस सभा का आयोजन किया गया था, जहां हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया, जिसके बाद एक नामांकन रैली निकाली जा रही है, जिसमें लगभग 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें इस रैली में शामिल हो रहे हैं। अक्षय, यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय ने बयान भी दिया है कि बीजेपी जो है प्रचंड मतों के साथ यहाँ पर जीत दर्ज करेगी। जी, जो यहाँ पर जो माहौल देखने को मिल रहा है, उसे लेकर कहीं ना कहीं जो भाजपा है पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है कि इस बार जो बहुमत है वो उनके पक्ष में होने वाला है। चलिए अक्षय, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजनांदगांव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज बीजेपी प्रत्याशी जो है लोकसभा के प्रत्याशी संतोष पांडे ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर उनके साथ सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साह, विजय शर्मा समेत तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद हैं और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे की जीत है वो भारी मतों से, यानी कि प्रचंड मतों से होने वाली है। और आपको बता दें, इसी लोकसभा सीट पर अभी 2 दिन पहले जो है तमाम सियासी टकरार देखने को मिली थी। कांग्रेसी प्रत्याशी जो है भूपेश बघेल की सभा के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शरणदास महंत ने विवादित बयान भी दिया था, उसको लेकर जो सियासत भी काफी देखने को मिली थी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, संतोष पांडे के नामांकन में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए हैं और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि बीजेपी प्रचंड मतों के साथ यहां पर जीतेगी। विशाल रैली के रूप में भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप देख सकते हैं, एक रोड शो भी यहाँ पर किया जा रहा है राजनांदगांव में। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं रोड शो की, जहाँ पर प्रत्याशी के साथ साथ सीएम विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम जो है चुनावी रथ में सवार होकर जनता के बीच वोट अपील करते नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें राजनांदगांव से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के नामांकन के बाद जो है एक भव्य मेगा रोड शो सीएम विष्णुदेव साय करते नजर आ रहे हैं। यहां पर हजारों की तादाद में समर्थक और आम जनता नजर आ रही है। छत्तीसगढ़